तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, क्वेश्चन है क्लास 9th एंड क्लास 11th के कि सर एनुअल एग्ज़ाम में कंप्लीट सिलेबस आएगा या फिर सिलेबस में जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए चैप्टर मेंशन किए गए हैं केवल वही आएंगे। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, पूरी बात ध्यान से समझना है आपको ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आप जब PDF ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपको शो होगा, ऊपर जो चैप्टर मेंशन किए गए हैं ये सब मिड टर्म के लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मध्यावधि परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये आपका मध्यावधि परीक्षा के लिए था, लेकिन नीचे जो चैप्टर हैं इसको आप देखोगे तो ये एनुअल के लिए हैं। जितने भी मेंशन किए गए हैं ये एनुअल के लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे नीचे आपको यहाँ पर पढ़ना है, PDF में ही लिखा मिलेगा वार्षिक परीक्षा 2024 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। मतलब कि जो ऊपर मिड टर्म पेपर के लिए चैप्टर तैयार किया था वो भी रहेंगे और जो नीचे एनुअल के लिए मेंशन किए गए वो भी रहेंगे। टोटल आपके इस PDF में जितने चैप्टर मेंशन किए गए हैं टोटल आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे, कहने का मतलब पूरी बुक आएगी। इस PDF में जितने भी चैप्टर मेंशन किए गए हैं वो चाहे मिड टर्म के हों या फिर मिड टर्म के बाद के हों, टोटल सभी चैप्टर तैयार करना है आपको अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए था, अब क्लास 11th के लिए भी देख लो PDF ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न रहे, ओके। अब जैसे कि ये क्लास 11th के लिए है, हिस्ट्री का है, ठीक है। तो ऊपर चैप्टर 2, 3, 5, 6 ये टोटल आपके मिड टर्म में आए थे, ठीक है, ऊपर मेंशन किया गया है। नीचे जो बच गए हैं 7, 10, 11 ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए था, लेकिन यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा यानी कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल जितने भी चैप्टर इस PDF में मेंशन किए गए हैं सब में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब पूरा सिलेबस आएगा, यही आपको ध्यान में रखना है कि मिड टर्म प्लस एनुअल टोटल PDF में जितने चैप्टर मेंशन किए गए हैं सबकी तैयारी करना है आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लो और अच्छे से तैयारी करो, कम्प्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए भी सेम प्रोसेस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लास्ट ईयर का एनुअल पेपर चाहिए तैयारी करने के लिए तो ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन अपलोड हैं, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।